नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। बिहार के भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर एक्टू समेत देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आहूत हड़ताल के लिए विभिन्न श्रमिक व वहाँ संगठनों ने पूरी टालत झोंक दी है। वहीं देश के विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नए मजदूर विरोधी श्रम कानूनों के विरोध और बेरोजगारी महंगाई निजीकरण NRCCA के खिलाफ उन्होंने इसका आह्वान किया है। इस हड़ताल को विभिन्न संगठनों व वहाँ दलों ने भी समर्थन दिया है। वहीं भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल से अलग है। खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर, आशाकर्मियों, रसोया संघ, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं, निर्माण मजदूरों, अन्य स्कीम वर्करों, संगठित क्षेत्र के कामगारों, छात्र, युवाओं ने भी समर्थन की घोषणा की है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा चालक संघ के महासचिव मुर्तजा अली ने परिवहन मंत्री को 8 जनवरी को राज्य भर में टेम्प परिचालन बंद रखने की जानकारी दी थी। हड़ताल के कारण बैंकों और बीमा कार्यालयों में कामकाज ठप है। राज्य के AIBA AIBO समेत सभी बैंक कर्मचारी संगठनों, विद्युत कर्मचारी संगठनों, अभियंताओं से लेकर टेम्प यूनियनों, जीवन बीमा निगम और करीब 250 किसान संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। कुल 13 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। इस संबंध में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ महासचिव प्रेमचंद सिन्हा ने सरकार को सूचना भेज दी है। भारत बंद के दौरान NHNCRCAB और NPR के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतर चुका है। आज के दिन भारत बंद करने का ऐलान किया गया था। उसी कड़ी को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता NH 105 को जामकर प्रदर्शन करने में लगा हुआ है। दरभंगा जयनगर NH 105 मुख्य मार्ग जाम जार दिया, जिससे यातायात करने वाले लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। वहीं एक कम्युनिस्ट के एक कार्यकर्ता ने बताया कि भारत बंद के दौरान हम लोगों ने NH 105 को जाम किया हूं और केंद्र सरकार के NRC के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जिला कार्यकारिणी के सदर जाम धरते हम भारत बंद हुई सकलिए 18 सूत्री मांग है। पूरा ट्रेन यूनियन, खेत मजदूर, किसान सभा, बैंक कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, तमाम संगठन हमर 18 सूत्री मांग है। ये मांग के लग हमरा सब पूरा भारत बंद है और केलवाही अंचल बर्देपुर ठोकर पर धरना